आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे चैनल ग्रोथ में हेल्प होती है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। और अगर आपने बेल आइकॉन को दबाया नहीं है तो उसे ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल पढ़ना हमें परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है। परमेश्वर के बारे में हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए बाइबल हमारा निश्चित स्रोत है। बाइबल पढ़ने का महत्व हम बचपन से जान रहे हैं और आज हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है इस वीडियो के द्वारा। अतीत में परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कई बार और विभिन्न तरीकों से उसने बात की, लेकिन इन अंतिम दिनों में उसने अपने पवित्र पुत्र के द्वारा हमसे बात की, जिसे उसने सभी चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके माध्यम से उसने ये दुनिया बनाई। पुत्र परमेश्वर की महिमा की चमक और उसके अस्तित्व का सटीक प्रतिनिधित्व है, जो अपने शक्तिशाली वचन द्वारा सभी चीज़ों को बनाए रखता है, पापों के शुद्धिकरण का प्रबंध करने के बाद वह स्वर्ग में महामहिम के दाहिने हाथ बैठ गया। इसे इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 1:1-3 में आप विस्तार से पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ हम सीखते हैं प्रियो, कि बाइबल को पढ़ने से हम ईश्वर का अनुकरण करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब हम इफिसियों की किताब अध्याय 5:1 को देखते हैं, इसमें लिखा है कि ज्योति की संतान बनो, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। बहुत ही सुंदर ये वचन है, प्रिय बालकों के समान हमें परमेश्वर का अनुकरण करना चाहिए। अगर किसी चोर का बच्चा अच्छे माँ बाप की परवरिश में पला बड़ा जाता है तो वो आगे जाके एक अच्छा इंसान बनता है, ना कि एक चोर। इसलिए प्रियो, अगर हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं और उसका अनुकरण करते हैं तो हम प्रभु की तरह बनते हैं। तीसरी बात हम यहाँ सीखते हैं प्रियो, कि बाइबल पढ़ने से हमें अपने अगले कदम का पता लगाने में मदद मिलती है। कितना अद्भुत ये वचन है। जब हम 12वीं की कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तब हमारे दिमाग में कई सवाल होते हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन चुना जाए। वैसे मेरे भी साथ हुआ था, मुझे दो ऑप्शंस थे, एक तो आप बाइबल स्कूल में जाकर पढ़ो और दूसरा ऑप्शन था आप नर्सिंग करो। तब मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन दिया और मैंने बाइबल स्कूल में जाने का निर्णय लिया। तो प्रियो, भजन संहिता 119:105 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यह कहता है,
तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग में उजियाला देने वाला है, मतलब हमें आगे जाकर ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो इसलिए वचन को ज़रूर पढ़िए, वचन आपको मार्गदर्शन करेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात हम यह सीखते हैं कि बाइबल पढ़ना हमें पाप से बचाता है। हमारे अंदर अगर कोई बुरे ख्याल आते हैं तो वह नष्ट हो जाएंगे अगर हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, उस पर विचार करते हैं और अपना समय परमेश्वर को देते हैं। वह हमें बुरी संगति से बचाता है और अच्छा और बुरा इसका फ़र्क वह हमें जानने में मदद करता है। प्रियो, भजन संहिता अध्याय 119 और वचन 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यह कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में छिपा रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अगर परमेश्वर का वचन हमारे मन में छिपा है तो हमें परमेश्वर का भय रहेगा और हम बुराई से अपने आप को दूर करेंगे। अगर परमेश्वर का वचन हमारे दिल में नहीं रहता है तो हम बुराई से कैसे दूर रहे। इसलिए परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें उसका वचन हमारे दिल में छिपा कर रखना है। पांचवी बात हम यह सीखते हैं कि बाइबल पढ़ने से हमें अपने दिमाग को नवीनीकृत करने में मदद मिलती है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। दोस्तों, कई लोगों ने निराशा की वजह से अपनी जान इस दुनिया से दे दी है क्योंकि उनके माइंड में अपनी जान ख़त्म करने के विचार आए थे। इसलिए माइंड में अच्छे विचार होना बहुत ज़रूरी है। हम इसे रोमियो की किताब अध्याय 12 और वचन 1-2 में पढ़ सकते हैं। छठवीं बात हम यह सीखते हैं कि बाइबल पढ़ना हमें परमेश्वर की कही हुई बातों के बारे में निश्चित होने की अनुमति देता है। बाइबल हमारा अंतिम अधिकार है। उस अधिकार से आप चंगाई प्राप्त कर सकते हो, उस अधिकार से आप शैतान को कुचल सकते हो। बाइबल हमें पावर देती है बंधनों से मुक्त होने के लिए। आप सच्चाई के साथ चलिए और सच्चाई आपको मुक्त करेगी। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 17 और वचन 17 में हम पढ़ते हैं, सच्चाई से उन्हें पवित्र करो, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है और हमेशा सत्य की जीत होती है। सातवीं बात हम यहाँ यह सीखते हैं कि बाइबल पढ़ने से हम अपने दिल की इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इतना बड़ा वचन जो हमारी दिल की इच्छाएं पूर्ण करने का वादा करता है। तो आपके दिल में अगर कोई इच्छा हो, परमेश्वर के पास जाइए, इधर उधर मत जाइए, परमेश्वर के पास जाकर मांगिए और वो आपकी दिल की इच्छा पूरी करेगा। ये उसका वादा है। यूहन्ना की किताब अध्याय 15 और वचन 7 हमें कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो
तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है मिलेगा। खुदा से मांगो। आठवीं बात हम यह सीखते हैं कि बाइबल पढ़ने से हम बाइबल का सुसमाचार सीखते हैं। इसलिए आप गीत गाइए, बाइबल का अध्ययन करिए और ये सुसमाचार दुनिया तक पहुंचाइए। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करिए, दाएं या बाएं ना देखिए, फोकस अपना यीशु पर रखिए। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 वचन 39 और 40 में हम पढ़ते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। ये वही पवित्र शास्त्र है जो मेरे विषय में गवाही देते हैं। तो भी तू मेरे पास जीवन पाने के लिए आने से इनकार करता है। उस जीवन के पास जाओ जो अनंत जीवन है। नौवीं बात हम यह सीखते हैं कि बाइबल पढ़ने से हमें हिम्मत मिलती है। हमारे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए हिम्मत बहुत ज़रूरी है। जितना बाइबल आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना मार्गदर्शन आपको मिलेगा क्या जीवन में हमने करना चाहिए। यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 वचन 8-9 यह कहता है कि व्यवस्था की इस पुस्तक को सदा आपके होठों पर रखना, उस पर दिन रात मनन करना, कि उसमें लिखी हुई हर बात को करने में चौकसी करना, फिर तुम्हारी गिनती संपन्न और सफल लोगों में होगी। क्या मैंने तुम्हें आदेश नहीं दिया है? मजबूत और साहसी बने, डरो नहीं, निराश न हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इतना सुंदर वचन है कि आपकी गिनती संपन्न और सफल लोगों में होगी। परमेश्वर हमें सफल बनाना चाहता है, वो हमें ऊंचा उठाना चाहता है, वो हमारा उद्धार करना चाहता है। इसलिए बाइबल को पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। अगर आपका मन भी नहीं हुआ तो भी पढ़ो। आगे अगर जाना है तो बाइबल ज़रूर पढ़ना है। दसवीं बात हम यह सीखते हैं कि बाइबल पढ़ने से हमें फलदायी बनने में मदद मिलती है। हमारा जीवन फलदायी बनेगा अगर हम रोज़ाना बाइबल पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 2-3 में हम पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वह व्यक्ति जल की धाराओं के द्वारा लगाए गए वृक्ष के समान है, जो समय पर फल देता है और जिसका पत्ता कभी भी नहीं मुरझाता। जो कुछ वे करते हैं वह सफल होते हैं। परमेश्वर का वचन है कि जो कुछ भी आप करोगे आप उसमें सफलता ज़रूर पाओगे। आशा करती हूँ प्रियो, आज का वचन आपके लिए आशीषमय साबित हुआ होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।